गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इस टॉपिक के लिए हमें बेसिक दो एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, जिसके बाद हम बता सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्पेसिफिक बैक्टीरिया को सिलेक्ट करके। उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए की दो स्ट्रेन को सिलेक्ट किया उसने, और दो स्ट्रेन में एक स्ट्रेन थी, फर्स्ट स्ट्रेन थी एस स्ट्रेन और सेकंड थी आर स्ट्रेन। स्ट्रेन मींस यहां पे स्ट्रेन को जैसे बेसिकली बोला जाए तो, अगर हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो स्ट्रेन का मतलब यहां पे वैरायटी है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए इसकी दो वैरायटी, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है। तो एस स्ट्रेन, जो बेसिक वर्डिंग बोलूं तो, हम जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडिया के ऊपर, तो उस कल्चर मीडिया पे एस स्ट्रेन प्रोड्यूस शाइनी कॉलोनी। अपीयरेंस से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एस स्ट्रेन है, और रफ स्ट्रेन आर फॉर रफ, इट प्रोड्यूस रफ कॉलोनी। बेसिक जो अपीयरेंस के बिहाफ पे हम बात करें तो जो स्ट्रेन शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करती है, जो अगर मीडिया के ऊपर बात करें, और रफ आर स्ट्रेन रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करती है। दूसरी बात करें तो जो इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, तो एस स्ट्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक जो बात करूं तो मैं आपको, कैप्सूल की प्रेजेंस होती है। कैप्सूल इज प्रेजेंट, कैप्सूल इज एडिशनल कवरिंग इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बेसिकली कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को क्या बनाता है, पैथोजेनिक। दूसरी बात, यहां पे कैप्सूल इज एब्सेंट, यहां पे कैप्सूल क्या है, एब्सेंट है। अब इस कैप्सूल की वजह से ये जो एस स्ट्रेन है ये क्या होगी, वायरुलेंट, वायरुलेंट और पैथोजेनिक। ये क्या होगी, नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब यहां के क्या है, पैथोजेनिक का मतलब है जैसे नाम बता रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। निमोनिए ये क्या करता है, ये बेसिकली मैमल्स के अंदर एक स्पेसिफिक डिजीज करता है जिसको बोलते हैं निमोनिया। हमने ह्यूमन बींग के अंदर पढ़ा है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये मैमल्स के अंदर क्या करता है, निमोनिया डिजीज, जिसकी वजह से हम बात करते हैं एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए क्या है, वायरुलेंट, और आर स्ट्रेन क्या है, नॉन वायरुलेंट। इसी के बिहाव पे एक्सपेरिमेंट का पता लगेगा, और इसी के बिहाव पे एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमें आगे करना है। तो यहां पे आपको तीन ही बातें ध्यान करनी है, एस मींस स्मूथ स्ट्रेन, आर मींस रफ स्ट्रेन। स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि इसको जब ग्रो करवाया तो शाइनी कॉलोनी आई, और जब इसको ग्रो करवाया तो रफ कॉलोनी आई। अब इसके बाद यहां पर एडिशनल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग एडिशनल, कैप्सूल जो एक एडिशनल कवरिंग है, कैप्सूल की प्रेजेंस है, वहां पे कैप्सूल की प्रेजेंस नहीं है। कैप्सूल की प्रेजेंस के बिहाफ पे अभी हमें पता है कि ये वायरुलेंट होते हैं, बट ग्रिफिथ के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं पता था। तो ये तीनों पॉइंट हैं जिसको आपने स्टडी करना है। उसके बाद जो प्रोसीजर है ग्रिफिथ का, वो प्रोसीजर आपको स्टडी करना है नेक्स्ट। उसमें क्या करना आपको,
सेकंड जो ग्रिफिथ ने क्या किया था, इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया था, जो सेकंड जो केस लिया था वो कहाँ था, क्या लिया था, माइस। तो एक्सपेरिमेंट किस किस को लेके किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए और दूसरा माइस। अब उसने क्या किया वो प्रोसीजर आपको पूछते हैं, सो लेट अस डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो फर्स्ट केस में ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने आर और एस स्ट्रेन में बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी जो स्ट्रेन की वैरायटी थी, तो उनमें से ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन का आर सेकंड और एस स्ट्रेन का एस थर्ड को लेके एक्सपेरिमेंट किया। देखो इसकी आर वन आर टू आर थ्री बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, ऐसे ही एस वन एस टू एस थ्री स्ट्रेन है, बट जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था वो किसको सिलेक्ट करके किया, वो एस थ्री को और आर टू को सिलेक्ट करके किया। तो इसमें प्रोसीजर में क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया माइस के अंदर आर स्ट्रेन को, आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू माइस। तो जब आर स्ट्रेन की बात की तो मैंने अभी बताया था आर स्ट्रेन क्या है, नॉन वायरुलेंट, दैट मींस ये कोई डिजीज नहीं कॉज करता। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो ग्रिफिथ को क्या रिजल्ट मिला, माइस सर्वाइव्ड। बेसिक सिंपल सा है, इसमें और कुछ भी नहीं है, आर स्ट्रेन क्योंकि पैथोजेनिक नहीं है, पैथोजेनिक नहीं है तो माइस नॉर्मली सर्वाइव कर रहा था। सेकंड केस क्या लिया, इसने एस स्ट्रेन को यूज किया, ग्रिफिथ ने क्या किया, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का मतलब यहां पे आप अगर बात करो तो आर सेकंड भी यूज कर सकते हो, यहां पर अगर मैं कहूं एस स्ट्रेन की बात करूं तो एस स्ट्रेन में एस थर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्या किया, इस एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर, फिर क्या हुआ, रिजल्ट देखना था, देन ही ऑब्जर्व दैट नॉर्मली जो माइस उस कंडीशन में, जो आर स्ट्रेन वाली कंडीशन में सरवाइव कर रहा था, एस स्ट्रेन जब इंजेक्ट की तो माइस डाइड। He observed that when he introduced or injected S strain into mice, then S strain was responsible for death of mice. Third case, अब आपके मन में आएगा कि क्यों यहाँ पे mice की death होगी, तो अब simple सी wording है, S strain मैंने आपको discuss किया था अभी, S strain क्या है, virulent है, virulent means pathogenic है, it is responsible for causing pneumonia. और जब ये निमोनिया किसमें होगा, माइस में, तो उसकी वजह से क्या होगी, उस माइस की डेथ हो जाएगी। उसके बाद थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में आपको जो ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग ग्रिफिथ ने क्या किया, थर्ड स्ट्रेन में एस स्ट्रेन को किल कर दिया हीट करके, ही वॉज एबल टू किल द एस स्ट्रेन बाई हीटिंग, हीटिंग के थ्रू उसने एस स्ट्रेन को किल किया और फिर उसको माइस में इंजेक्ट किया। तो हम यहां पे यूज करेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रेन। व्हेन ही इंजेक्टेड दीज हीट किल्ड एस स्ट्रेन इनटू माइस, इंजेक्टेड इनटू माइस, देन ही ऑब्जर्व दैट माइस was normal, that means mice survived. अब यहां से सिंपल तीन बातें क्लियर हुई, नॉर्मल आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट थी, नॉन पैथोजेनिक थी, जब उसको इंट्रोड्यूस किया तो माइस नॉर्मल सर्वाइव कर रहा है, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन क्योंकि एस स्ट्रेन क्या थी, वायरुलेंट थी, तो इसकी वजह से निमोनिया होगा और उसकी वजह से क्या होगा, माइस की डेथ हो गई। ये ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया था और उसी के बिहाफ पे उसने फिर आगे कंक्लूजन दिया
थर्ड उसने जो एस स्ट्रेन जो वायरुलेंट स्ट्रेन थी उसको किल कर दिया। अब वो जब बैक्टीरिया जब मर गए तो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी वो उस माइस को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वो पहले ही से मर चुके हैं। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट था फोर्थ, इट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ग्रिफिथ ने लाइव आर स्ट्रेन के साथ हीट किल एस स्ट्रेन को मिक्स कर दिया। ही मिक्स द हीट किल एस स्ट्रेन विद लाइव आर स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन मिक्स्ड विद आर स्ट्रेन एंड देन ही इंजेक्टेड इनटू माइस। देखो अब हमारे को एक बात सोचनी है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन का रिजल्ट क्या था? डेथ ऑफ माइस, ठीक है। यहां पे देखो ना आप, डेथ ऑफ माइस है नहीं है ना, तो माइस क्या कर रहा है? सरवाइव कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे मर चुका है। अगर नॉर्मल की बात करते हम तो क्या होता, वहां पे माइस की डेथ हो जाती। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो नॉर्मली उस माइस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फर्स्ट केस ये हो गया। दूसरा आर स्ट्रेन को चेक करो, आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया था तो वहां भी माइस सरवाइव कर रहा था। तो फर्स्ट और थर्ड केस इन दोनों को इकट्ठा डाला था तो क्या हुआ, यहां पे दोनों की वजह से रिजल्ट क्या आना चाहिए? अगर हम सोचें नॉर्मली, इसको डालने के बाद भी माइस जिंदा है, इसको डालने के बाद भी माइस जिंदा है, तो इन दोनों को डालेंगे तो क्या होगा, माइस जिंदा। बट He was surprised that mice died because of specific disease, pneumonia. Pneumonia तो disease हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी death हो गई। अब यहां से एक conclusion दिया Griffith ने, तो उस conclusion से पहले एक और छोटी सी बात आती है जो important है, जो ये mice जिसकी death हो गई थी किसकी वजह से, इन दोनों strain को डालने के बाद। Moreover, Griffith recovered live S strain from this dead mice through the autopsy. Autopsy के through इस dead mice से Griffith को क्या मिली, live S strain and live R strain। जबकि एक छोटा सा point अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या किया था, मरे हुए S strain को bacteria को डाला था और live जिंदा क्या थे, R strain। But बाद में Griffith को क्या हुआ, क्या मिला रिजल्ट में, डेथ मिली किसकी, माइस की। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, Griffith रिकवर्ड लाइव एस स्ट्रेन, ध्यान से सुनना, यहां पे मैं एस स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, आर स्ट्रेन तो नॉर्मली मिले ही उसको, बट उसके साथ एस स्ट्रेन, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये, जब उसने डाला ही नहीं कोई एस स्ट्रेन, लाइव एस स्ट्रेन को डाला ही नहीं, तो उसके बाद उसको मिला कैसे? तो इसके बाद उसने एक कंक्लूजन दिया Griffith ने, Griffith concluded that R strain had somehow been transformed by S strain. जो R strain थी वो ये वाली, ये R strain थी, ये किसी तरीके से किसमें ट्रांसफॉर्म होगी, S strain में। अब यहां पे थोड़ा सा माइंड में आए तो कैसे हो सकता है, कोई ना कोई चीज यहां से इसको चेंज कर सकती थी एस में, अपने आप तो चेंज होगा नहीं यहां पे, अगर अपने आप होता तो यहां भी हो सकता था, यहां भी माइस की डेथ हो सकती थी, मगर यहां भी माइस की डेथ नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक मटेरियल, मतलब Griffith के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक मटेरियल है जो एस स्ट्रेन से कहां गया आर स्ट्रेन में, और उसकी वजह से क्या हुआ, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, एस स्ट्रेन में। तो Griffith ने एक बात और बोल दी नॉर्मली, कि Griffith ने एक बात बोल दी कि यहां से एस स्ट्रेन की वजह से आर स्ट्रेन में चेंज हुआ, और इस आर स्ट्रेन से फिर क्या हो गया, वो एस स्ट्रेन में बदल गए। तो यहां पर आपको एक बात इस चीज में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि ये आर से एस कैसे उसको मिल गया, ठीक है, इट्स ओके। तो इसके बाद उसने एक वर्ड बोला Griffith का, जो यहां ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, तो उसने कहा था
सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हम उसको मटेरियल भी बोल सकते हैं, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज ट्रांसफर फ्रॉम दिस हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन दैट अनेबल्ड आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज पॉलीसेक्राइड कोट. पॉलीसेक्राइड कोट मीन्स कैप्सूल. कि यहां से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कोई मटेरियल किस में गया, आर स्ट्रेन में, और उसकी वजह से आर स्ट्रेन में क्या बन गया, कैप्सूल की फॉर्मेशन. कैप्सूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर जो एस स्ट्रेन है वो कैप्सुलेटेड है, इसके बिहाफ पे आपको बताना है. बट एक छोटा सा पॉइंट आपको लास्ट में याद रखना है, क्या यहां पे द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है कि वो डीएनए है, वो आरएनए है या वो प्रोटीन है, वो अभी तक पता नहीं लगा. क्योंकि ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि इस हीट किल्ड एस्ट्रेन से डीएनए गया है, आरएनए गया है या प्रोटीन गया है या फिर कार्बोहाइड्रेट गया. वो एक नेक्स्ट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है, दूसरे साइंटिस्ट की बात करूंगा वहां पे, बट उन्होंने बताया, बट ग्रिफिथ ने कुछ भी नहीं बताया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट मीन्स वो मटेरियल क्या था कि जिसने एस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया. तो यहां से इतना ही आपको आइडिया लेना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नेचर जो पता नहीं लगा था, सिर्फ ग्रिफिथ ने ये कहा कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ मटेरियल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में चेंज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है. तो उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताने की बात करें तो उसके लिए आपको तीन साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे, और दीज आर इम्पोर्टेंट. फर्स्ट वन इज द एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी. कंप्लीट नेम ऑस्वाल्ड एवरी कोलिन मैक्लॉयड एंड मैकलाइन मैकार्टी. दीज आर द थ्री साइंटिस्ट विच वर्क ऑन द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो सीधी सी एक वर्डिंग बोलूँ तो इनके काम से पहले जो बायोलॉजिस्ट थे या फिर जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो यही समझते थे, यही सोचते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है. बट इन्होंने थोड़ा आइडिया दिया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं, वो क्या है, डीएनए है. तो प्रायर टू देयर वर्क जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन, बट इनके काम के बाद में क्या हो गया ये पता लग गया कि वो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगा. दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. जो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसको पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया, और वो काम क्या था, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल्स from heat killed S strain, heat killed S strain. उन्होंने इस heat killed S strain से क्या किया, biochemicals को purify कर दिया. वो कौन कौन से biochemicals थे, उन्होंने यहां से इसके RNA को, यहां से protein को, यहां से DNA को. नॉर्मल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको यही बातें लिखी हुई है, दे प्यूरिफाइड द बायोकेमिकल फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन. किस लिए किया इन्होंने प्यूरिफाई, ताकि वो ये चेक कर सके कि कौन से बायोकेमिकल ने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म किया. बट अगर रेफरेंसेस कुछ बात करें कुछ रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के बारे में भी लिखा होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ये कार्बोहाइड्रेट्स का भी बता रहा हूं. तो दे आइसोलेट और वी कैन से दैट दे प्यूरिफाइड दीज बायोकेमिकल फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन. उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कल्चर मीडिया प्रिपेयर किया. तैयार करने के बाद कल्चर मीडिया को टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल लिया. कल्चर मीडिया मैं बता चुका हूँ, कल्चर मीडिया जब भी हमें बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया फंगस, उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाना होता है तो उसके लिए हमें मीडिया प्रिपेयर करना पड़ता है पहले. उसके बाद उन्होंने वो प्रिपेयर करने के बाद क्या किया, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल दिया. देन
इन टेस्ट ट्यूब में उन्होंने किसको ग्रो करवाया? आर स्ट्रेन को. किसको? आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. उसके बाद यहां पे सभी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या किया? आर स्ट्रेन को ग्रो करवाया. सेम काम किया नॉर्मल सबसे पहले. तो दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन कल्चर मीडिया देन इस कल्चर मीडिया प्लस उसमें क्या ग्रो करवाया? आर स्ट्रेन. यही सेम केस क्या है यहां भी? कल्चर मीडिया विद आर स्ट्रेन, कल्चर मीडिया विद आर स्ट्रेन, कल्चर मीडिया विद आर स्ट्रेन. तो सभी टेस्ट ट्यूब में करवाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन फ्रैक्शंस को लाइक आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, इन अलग अलग बायोकेमिकल्स को क्या किया? अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया. फर्स्ट अगर मैं कहूँ, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में अंदर क्या डाला उन्होंने? आरएनए. ये आरएनए कहाँ से आया है? एस स्ट्रेन से. क्योंकि हमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन से यही तो चेक करना है कि उस हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को जो बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है, वो किस चीज की वजह से हुआ? आरएनए की वजह से, प्रोटीन, डीएनए. तभी पता लग जाएगा कि वही चीज क्या होगी, जेनेटिक मटेरियल. यहां भी क्या है? कल्चर मीडिया प्लस आर स्ट्रेन अब आर स्ट्रेन के साथ उसने क्या डाल दिया सेकंड केस में? प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट कल्चर मीडिया प्लस आर स्ट्रेन प्लस मैं यहां कार्बोहाइड्रेट लिख रहा हूं थर्ड वे में, थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स. इन्होंने आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो सारे के सारे अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले, इकट्ठा नहीं डाला. उसके लिए मैं बताता हूँ रीजन क्या है. क्योंकि अगर इकट्ठा डाल देंगे तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसका आइडिया नहीं लगेगा किस चीज ने बदला. तो इसलिए अगर आरएनए यहां से कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिला, आर से एस बन गया, तो क्या होगा? हम बता देंगे कि आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. अगर प्रोटीन की वजह से हो तो क्या कहेंगे? प्रोटीन इज द जेनेटिक. कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो तो कार्बोहाइड्रेट इज द जेनेटिक मटेरियल. तो इसके बाद जो यहां पे केस था, नेक्स्ट केस क्या था? इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? कल्चर मीडिया प्लस आर स्ट्रेन प्लस डीएनए. ठीक है, फर्स्ट थ्री केसेस को जब ऑब्जर्व किया तो देर वॉज नो चेंज, नो चेंज. दैट मीन्स आर स्ट्रेन के अलावा इस कल्चर मीडिया में कोई साइनी कॉलोनी नहीं आई, मतलब कोई भी रफ से स्मूथ कॉलोनी नहीं बनी. तो यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ. तो उन्होंने बोला आरएनए इज नॉट जेनेटिक मटेरियल इन दिस केस. कल्चर मीडिया के अंदर आर स्ट्रेन, ये जो आर स्ट्रेन थी उसको डालने के बाद प्रोटीन डाल दिया, तो यहां भी क्या हुआ? देर इज नो चेंज. तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, देर वॉज नो चेंज. सो इट वॉज नॉट एज्यूम टू बी द जेनेटिक मेटल. थर्ड कार्बोहाइड्रेट के केस में भी क्या हुआ? नो चेंज. ऐसा नहीं होता कि हम आरएनए को जस्ट डाल देंगे और डालते ही आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. हम इन टेस्ट ट्यूब के अंदर जब क्या करेंगे, ग्रो करवा देते हैं आर स्ट्रेन को, उसके बाद जब हम आरएनए डाल देंगे कहां से? हीट किल एस स्ट्रेन से, जो हमने प्यूरिफाई किया है, एक्सट्रैक्ट किया. तो उसके बाद हम इनको कुछ टाइम के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं, इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते. एज इट इज रखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ. तो इस केस में कोई चेंज नहीं हुआ, सेकेंड केस में कोई चेंज नहीं हुआ, थर्ड केस में कोई चेंज नहीं हुआ. बट जब उन्होंने एस स्ट्रेन के डीएनए को नॉर्मल मीडिया जिसके अंदर आर स्ट्रेन नॉर्मली कल्चर कर रखा था, अगर उसमें ग्रो करवाया तो क्या हुआ? देयर वाज प्रेजेंस ऑफ, दे ऑब्जर्व द एस स्ट्रेन
ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए। यहाँ से एक आइडिया तो हो गया क्या कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसका, आर स्ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पे कोई एस स्ट्रेन तो ली नहीं थी पहले, तो आर स्ट्रेन ली थी, तो आर स्ट्रेन का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तभी तो वो एस में कन्वर्ट हुए, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ, डीएनए, क्योंकि बाकी सभी केसेस में आरएनए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ही तो डाला था, कल्चर मीडिया और आर स्ट्रेन तो सब में सेम था, यहाँ पे डीएनए को डाला तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बट लेकिन वहाँ पे ही नहीं रुक गए वो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ना क्रॉस चेक करने के लिए एक चीज और की, उन्होंने कल्चर मीडिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया, कल्चर मीडिया प्लस इसके साथ आर स्ट्रेन, थोड़ा सा यहां पे एक्स्ट्रा काम किया उन्होंने, आर स्ट्रेन के साथ उन्होंने क्या लिया, प्लस डीएनए, डीएनए ले लिया। बट डीएनए के साथ साथ उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, एक एंजाइम डीएनएज। डीएनएज क्या करेगा, डीएनएज डीएनए को, जो डीएनए की फंक्शनिंग है उसको खत्म कर देगा, सीधी सी बात है, डीएनएज एक एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड कर देगा। अब डीएनएज ने डीएनए को डिग्रेड किया, उसके बाद क्या होगा, जो यहां पर जो इससे पिछले केस में देखा था कि डीएनए की वजह से क्या हो गया था, आर से एस स्ट्रेन बन गए थे, तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल अगर सोचे हम कि आर एस में कन्वर्ट होगा, बट क्यों नहीं होगा, देयर वाज नो चेंज। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो जब डीएनए को यूज किया उन्होंने तो नॉर्मल आर से एस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसमें तीन चीजें तो सेम है, कल्चर मीडिया के अंदर आर स्ट्रेन को ग्रो करवाया, उसमें डीएनए कहां से, एस स्ट्रेन का उन्होंने डाल दिया, लेकिन जब जैसे ही डीएनएज को डाला तो डीएनएज ने डीएनए को खत्म कर दिया, सीधी सी बात है, तो डीएनए को खत्म कर दिया तो क्या होगा, नॉर्मल कल्चर मीडिया में आर स्ट्रेन ही सर्वाइव करेंगे, वही मिलेंगे, यहां पे कोई भी एस स्ट्रेन नहीं मिला। तो इस के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और आरएनए। तो जो ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसमें यह था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करती है एस स्ट्रेन में। उसी को अगर मैं कहूं, उसी का एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किन्होंने, तीन साइंटिस्ट ने, एवरी, मैक्लॉयड और मैकार्टी। तो ये वर्डिंग अगर कोई पूछता है तो बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसमें आपको तीन साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं एवरी का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसमें भी सेम वर्डिंग है, वही सारा सेम एक्सपेरिमेंट होगा रिपीट। इस जो फोर्थ केस आपका, उससे उन्होंने कंक्लूजन दिया, दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था प्रायर टू देयर वर्क जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी प्रोटीन नॉट डीएनए, बट इनके काम के बाद क्या हो गया, इन्होंने बोल दिया कि ये डीएनए है जो आर को एस में ट्रांसफॉर्म करवा रहा है। मगर इतना एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद भी उस टाइम पर साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए, तो उनको कन्विंस करने के लिए अगर मैं कहूं, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट और